तो आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्त अनुशील को। दोस्तों फेसबुक राइट मैनेजर टूल के ऊपर ट्यूटोरियल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, मगर आप में से बहुत सारे लोगों को अभी तक राइट मैनेजर टूल का असली पोटेंशियल क्या है वो समझ में ही नहीं आया। क्या एडवांटेज है, क्यों लोग राइट मैनेजर टूल के पीछे पड़े हैं, क्यों लोगों को अपने पेज पे राइट मैनेजर टूल का एक्सेस चाहिए, उसका एडवांटेज क्या है और आपको क्या फायदा देगा इस टूल के हवाले से, अगर जानना है तो वीडियो पे जरूर एंड तक बने रहना। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो राइट मैनेजर टूल के एडवांटेज में अभी आप लोगों को समझाऊंगा वो है नो कॉपी। जैसे ही नो कॉपी कहता हूं इसका मतलब क्या, कोई भी बंदा हमारे पेज का जो कंटेंट है, जो कंटेंट लाइब्रेरी पे हम डालते हैं पब्लिश करते हैं कंटेंट को, वो नहीं कर सकता कॉपी। ऐसा नहीं कहूंगा, कॉपी तो हालांकि कोई भी कर सकता है, पायरेटेड वर्जन तो कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी हमारा कंटेंट को कॉपी करके अपने पेज पे डाल सकता है। तो फिर आप क्यों कह रहे हो नो कॉपी? नो कॉपी इसलिए कह रहा हो क्योंकि कोई भी बंदा अगर आपके पेज के ओरिजिनल कंटेंट को कॉपी करेगा तो राइट मैनेजर के अंदर मैचिंग वीडियोस पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा किसने किसने आपके पेज से कंटेंट को कॉपी किया है। क्या सिर्फ हमें देखने के लिए ही मिलेगा कि हमारे कंटेंट को हमारे अनजाने में किसने किसने कॉपी किया है? इतना तक लिमिट नहीं है। अगर ऐसा आपको मैचिंग टूल का एक्सेस मिलेगा राइट मैनेजर टूल के तहत, तो आप लोग बेझिझक उस कंटेंट का जो अर्निंग है दूसरे पेजों पे डाला गया है उसका अर्निंग आपको कलेक्ट होगा। मैंने लास्ट ट्यूटोरियल पे बता दिया था कि राइट मैनेजर के थ्रू आपको कैसे कलेक्ट करना है अर्निंग, कैसे अर्निंग सेटअप करना है, कहाँ पे जाके करना है। अगर किसी भी दोस्त ने उस वीडियो को मिस किए हो तो इस वीडियो के एंड पे जरूर पिछले वाले ट्यूटोरियल वीडियो को देख लेना, जो कि मैं आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा तो ये है, कोई भी बंदा अगर आपके पेज के कंटेंट को अपने उनके पेज पे डालेंगे तो आप उससे अर्निंग जो है जितना भी होगा वो आपको ही मिलेगा, अगर आप राइट मैनेजर टूल के तहत अर्निंग सेटअप करके रखोगे। क्या यही तक लिमिटेड है नो कॉपी वाला पार्ट? नहीं, इससे आगे भी कुछ है। अगर आप चाहते हो ये जो कंटेंट है ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली हमारे पेज पे ही चाहिए, मुझे अर्निंग नहीं चाहिए, मगर कोई भी बंदा कोई राइट नहीं है मेरे कंटेंट को उसके पेज पे डाले, उस केस पे जो कॉपी राइट हम कहते हैं टेक डाउन करना किसी भी कंटेंट को, वो आपके पास पावर रहेगा, आप कर सकते हो, वो भी राइट मैनेजर टूल एक्सेस अगर आपको मिलता है। जैसे कि अभी मैचिंग वीडियोस पे ये वाला वीडियो शो कर रहा है, तो हम अगर चाहे तो इस वीडियो को टेक डाउन करवा सकते हैं, इस वीडियो को कॉपीराइट दे सकते हैं। इसके लिए हमें ये जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखने के लिए मिल जाएगा बहुत सारे, जिनमें से आपको सी डिटेल पे क्लिक कर देना है। दोस्तों मैंने सी डिटेल पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको दोनों पता चल जाएगा, आपका रेफरेंस फाइल और कॉपी किया हुआ कंटेंट और किसने कॉपी किया है वो भी पता चल जाएगा। और उसके बाद अगर आप चाहते हो इस कंटेंट को टेक डाउन करवाने के लिए उस पेज से, तो आपको 3 डॉट पे फिर से क्लिक करना है और फिर आपको रिक्वेस्ट टेक डाउन वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। अगर इस पर क्लिक कर दिया तो ये कंटेंट कॉपीराइट पे चला जाएगा और ये टेक डाउन हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैचिंग टूल से इसको हटा देने के लिए आपने ही कहीं पे आपके प्रोफाइल पे डाले हैं, तो रिमूव फ्रॉम मैचिंग वीडियोस भी आप कर सकते हो, जो कि आप करोगे नहीं क्योंकि आपको तो टेक डाउन ही करवाना है। अब बात आता है अगर इस वीडियो ने किसी भी पेज पे डाल के अर्निंग हो रहा है तो वो क्या कलेक्ट एंड अर्निंग जो सेटअप है वो कर लेने से हमें मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा? उसके लिए आपको कोई क्लेम वगैरह करना नहीं है, ऑटोमेटिकली बंदे को क्लेम चला जाएगा। तो ये है नो कॉपी हु कॉपी जानने का सबसे आसान तरीका, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे आए दिन क्वेश्चन करते रहते हो कि फेसबुक पे हमारे कंटेंट को किसने कॉपी किया है, कहाँ पे डाला है, वो हम कहाँ पे चेक करें? वो आप तभी चेक कर सकते हो जब आपके पास राइट मैनेजर टूल का एक्सेस हो। आपको दोस्तों पिछले 2 ट्यूटोरियल्स राइट मैनेजर टूल को लेके देखना है तो इस वीडियो के एंड पे जो एंड स्क्रीन आता है वहां पे मैं जोर दूंगा, आप लोग इस वीडियो के एंडिंग में देख सकते हो। बढ़ता हूं अगला एडवांटेज के तरफ। अगला जो एडवांटेज है वो है रेफरेंस लाइब्रेरी के अंदर। दोस्तों रेफरेंस लाइब्रेरी के अंदर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे आपको रेफरेंस फाइल अपलोड करने का ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड फाइल। तो यहाँ पे दोस्तों आप दो काम कर सकते हो, एक तो
कि आपके जो कंटेंट लाइब्रेरी पे कंटेंट है उसको ऐड कर सकते हो रेफरेंस फाइल के तहत, या फिर आप ऐड कर सकते हो न्यू वीडियो। अगर न्यू वीडियो रेफरेंस फाइल के थ्रू यहाँ पे ऐड करोगे तो वो पेज पे नहीं जाएगा, आपके रेफरेंस फाइल पे रहेगा और कंटेंट आईडी जो है वो जनरेट होके रहेगा। इस केस पे भी कोई भी बंदा अगर आपके किसी भी कंटेंट को आपके वेबसाइट से या डिफरेंट प्लेटफॉर्म से उठा के उनके पेजों पे डालेगा, क्योंकि आपने रेफरेंस फाइल इंक्लूड करके रखे हो पेज का, तो आपको ऑप्शन रहेगा वही तीन ऑप्शन, एक तो अर्निंग क्लेम करने का बिना अपलोड किए पेज पे, दूसरा टेक डाउन का, और तीसरा ओनरशिप लिंक ऐड करने का। तो आप कॉपीराइट भी दे सकते हो, आप अर्निंग क्लेम भी कर सकते हो और आप ओनरशिप लिंक भी ऐड कर सकते हो। ये तीनों काम कर पाओगे बिना कंटेंट को पेज पे अपलोड किए स्केबल रेफरेंस फाइल के तहत, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज होते हैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोगों के लिए, स्पेशली ब्रांड के लिए, क्योंकि ब्रांड के ऐसे कंटेंट रहते हैं जो पर्टिकुलर सोशल प्लेटफॉर्म को टारगेटेड होता है। तो उस केस पे हो सकता है फेसबुक पे वो कंटेंट अपलोड ना हो, मगर आप अगर दूसरे कहीं से भी उठा के उस कंटेंट को फेसबुक पेज पे डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पेज के कंटेंट पे रेफरेंस फाइल मौजूद होने के वजह से क्लेम चला जाएगा, अर्निंग थर्ड पार्टी को चला जाता है और टेक डाउन भी हो सकता है। तो ये सारे चीज़ आपको एडवांटेज तभी मिलेगा जब आपको राइट मैनेजर टूल का एक्सेस फेसबुक के तहत मिलेगा। दोस्तों अगला जो एडवांटेज है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है जो कि क्रिएटर को बहुत ही कम मालूम है, और ये एडवांटेज आपको तब देखने के लिए मिलेगा जब आप चले आओगे थोड़ा सा यहाँ पे मैचिंग टूल के ठीक नीचे वाला जो पॉइंट रहता है उस पे। तो हम लोग मैचिंग रूल के ठीक नीचे वाला जो अकाउंट ऑप्शन है इस पे चले आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद सबसे बड़ा एडवांटेज रेफरेंस फाइल का अभी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, वो है परमिशन वाला ऑप्शन पे। दोस्तों ये परमिशन वाला जो ऑप्शन है ये आज के डेट पे हर एक बड़े क्रिएटर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपको पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी पेज को या कोई भी प्रोफाइल को, इवन इंस्टाग्राम अकाउंट प्रोफाइल को भी इजाजत दे सकते हो कि आपके पेज का कंटेंट को वो उनके पेज पे डाले, और उस केस पे उस पेज के कंटेंट पे कोई भी टेकडाउन, कोई भी क्लेम या फिर कोई भी रीयूज रीपर्पस लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू नहीं लगेगा। और एक पेज पे अगर किसी भी तरीके से आपको मतलब राइट मैनेजर टूल का एक्सेस मिल जाता है और उन बाकी पेजों को आप यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हो, आप यहाँ पे बंडल ऑफ पेज को इंपोर्ट कर सकते हो और बाद में उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, मतलब डाल भी सकते हो, इंक्लूड भी कर सकते हो रेफरेंस फाइल के तहत, और फिर हटा भी सकते हो, मतलब डिलीट और ऐड दोनों ही कर सकते हो, और वो पेज जो है वो आपके पेज के कंटेंट को अपने पेज पे डाल के पैसा कमा पाएगा, अर्निंग भी होगा, और उस पेज के कंटेंट पे कोई भी रीयूज लिमिटेड ओरिजिनलिटी या फिर कोई भी कॉपीराइट क्लेम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं लगेगा। वो लोग आपके रेफरेंस लाइब्रेरी पे मौजूद हर एक कंटेंट को डाल पाएगा अपने पेज के अंदर। यहाँ पे और एक फायदा ये है कि अगर मान लो आपने आपके जो मतलब आईडी है जिस पे राइट मैनेजर का एक्सेस है, इससे आप आपके रेफरेंस फाइल के तहत उस कंटेंट को अपलोड करके रखे हो और आपके पेज पे पब्लिश नहीं किए हो, बाकी जिन पेजों पे वो कंटेंट सही जाएगा उस पेज को यहाँ से एक्सेस दे दिए हो, इसका मतलब है उस पेज पे वो कंटेंट जो कि जेन्युइन रहेगा उन पेजों के लिए उस पे भी डाला जा सकता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़ा आज के डेट पे फेसबुक पे लूप होल है, जिसके वजह से आप लोग बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर के पेजों पे वेरीफाइड पेजों पे देखते हो कहीं से भी कंटेंट उठा के डाला जा रहा है, मगर उस कंटेंट पे कोई भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट क्लेम ये सब कुछ नहीं आता, ना तो पेज का कुछ मतलब हेल्थ जो है वो खराब होता है, और आप लोग मुझे आके पूछते हो कि वो पेज कैसे डाल पाते हैं वो वैसा ही कंटेंट। आप बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट किए हो कि रेसलिंग का वीडियो डाला जा रहा है, आईपीएल गेम का लाइव किया जा रहा है उन पेजों पे, या फिर कपिल शर्मा शो डाला जा रहा है, और बहुत सारे मूवीज भी अपलोड किया जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट मूवीज जो एक ही मूवीज डिफरेंट डिफरेंट पेजों पे डाला जा रहा है, मगर फिर भी कोई इशू नहीं आ रहा है, हर वीडियोस पे मिलियंस पे व्यू जा रहा है, और ये भी सच है हर वीडियोस
पे, हर पेज पे मिलियंस पे अर्निंग भी हो रहा है, मगर उस केस पे कोई भी इशू नहीं होगा, क्योंकि आपका पास राइट मैनेजर टूल का एक्सेस रहता है और उससे आप डिफरेंट डिफरेंट पेजों को यहाँ पे ऐड करके रेफरेंस लाइब्रेरी पे रखे गए वीडियो को डालने का परमिशन दे देते हो। तो ये सबसे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लूप होल है, लूप होल तो नहीं कहूँगा बल्कि एक पावर है, जिस पेज को मिलेगा उस पेज के थ्रू बाकी पेजों पे डाल के भी कोलाप करके बहुत ज़्यादा पैसा आज के डेट पे कमाया जा सकता है। और ये थर्ड जो एडवांटेज है, मुझे पता है अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। दोस्तों फोर्थ जो एडवांटेज है वो है मॉनिटर एंड इनसाइट। आप लोग वही सारे वीडियो जो के मैचिंग टूल के तहत आपको देखने के लिए मिलेगा, उससे आपको पता भी चलेगा कि कौन सा वीडियो का क्या क्या परफॉर्मेंस हो रहा है दूसरे पेजों पे, और उससे कितना अर्निंग जेनरेट हो रहा है, कितना एंगेजमेंट हो रहा है, तो इनसाइट भी पता चलेगा इसी राइट मैनेजर टूल के तहत। और उसके साथ दोस्तों फाइनली बट नॉट द लिस्ट वो है ओनरशिप लिंक। कोई भी बंदा अगर आपके रेफरेंस फाइल पे जो भी कंटेंट रहेगा उस कंटेंट को कॉपी करके अपने पेज पे डाल रहा है, तो उसके साथ ओनरशिप लिंक जो है वो भी ऐड हो जाएगा। तो आपको हमेशा एज ए ओरिजिनल ओनर जो है वो कंट्रीब्यूशन लिंक रह जाएगा उनके पेजों पे। इसीलिए बहुत सारे कंटेंट जब आप लोग म्यूजिक को कॉपी करते हो और अपने पेजों पे कंटेंट के साथ डालते हो तो म्यूट करने का ऑप्शन आ जाता है और ओनरशिप क्लेम होता है, डिस्प्यूट होता है कंटेंट पे, और ये सब पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ राइट मैनेजर टूल एक्सेस। होप गाइस आज के इस वीडियो से आपको पूरा मालूम पड़ गया है कि राइट मैनेजर टूल का क्या पावर है, क्या एडवांटेज है। और अगर आपको मिलना है तो इस वीडियो के एंड पे जो लास्ट दो आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा उन वीडियो को जरूर देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कैसे इसको अप्लाई करना है। और फुल ट्यूटोरियल वीडियो फुल स्टेप बाय स्टेप भी बता के रखा हूँ, वो भी देख लोगे तो और भी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा।